इंद्री में दलित समाज के लोगों ने SC ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरोध में आज शहर में रोष प्रदर्शन कर दुकानों को बंद करवाया। समाज के लोगों ने अपनी नाराजगी जताई और रोष प्रदर्शन कर रहे दलित समाज के लोग अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए और सरकार द्वारा इस मामले में उचित कार्यवाही न करने के प्रति नाराजगी जताई। दलित समाज के लोगों ने सरकार की नीतियों की आलोचना कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मांग नहीं लेती हमारा संशोधन तब तक जारी रहेगा, ये पूरे भारत में जारी रहेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं है, जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे हम अपने आंदोलन को जारी रहेंगे। आज का प्रदर्शन हम एक रोज प्रदर्शन निकाल रहे हैं, पूरा बाजार बंद कर रहे हैं और इसको इंद्री से शुरुआत की है, आज पूरा करनाल में हम इसको करने जा रहे हैं और ये तब तक जारी रहेगा करनाल में भी, जब तक कोई हमारी मांगे मानने नहीं आता है। हमें जो पुनर्याचिका के लिए हमने पिटीशन डाली है उस पर विचार नहीं किया जाता है, हमें हमारी मांगे नहीं दिलाई जाती है, तब तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जाहिर की है वो डायरेक्ट नहीं करके इसमें सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मोहरा बनाया है, क्योंकि बिना सरकार की सहमति के ये किसी भी तरह का संशोधन हम पास नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का एक मोहरा है, उसको पास कराने का, डिसीजन को लागू करने का, ये सारा किया कराया हमारी जो आज केंद्र में सरकार बैठी है ये उसकी कार्यकारी का जो हमारा भारत बंद का संदेश है, ये भारत बंद जो आज पूरे इंडिया में किया गया है उसकी कड़ी को हम बढ़ाते हुए आज पूरे दलित समाज ने हल्का इंद्री में भी यह रोष प्रदर्शन किया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट में बदलाव की या छेड़छाड़ करने की कोशिश की या हम उसका पूरा दलित समाज उसका विरोध करता है और सरकार से ये मांग करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन में बदलाव ना करें।